चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हो, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जाती है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? सारा जीवन और हम आत्मसम्मान से जिए और अपने दम पर हमने अपने कार्य किए और बुढ़ापे पर जाके हम भीख मांगने की स्थिति में आ जाएं, ये तो बहुत ही निंदनीय है। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ मुकुंद। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, देश भर में लाखों कर्मचारी की कई सालों से एक मांग है जो पुरानी पेंशन की बहाली हो, इसको लेकर देश भर में अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन होते रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी कई आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे ही एक आंदोलन है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, NMOPS करके एक संगठन है, जिसने पिछले 1 जून से बिहार के चंपारण से यात्रा शुरू की, एक यात्रा निकाली जो रथ हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं। इसी रथ से, इसी बस पर सवार होकर कर्मचारी नेताओं ने देश भर के कई राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उसके बाद महाराष्ट्र तक इन्होंने यात्रा करी। महाराष्ट्र के नासिक में जाकर उन्होंने यात्रा का इनका आखिरी पड़ाव था और आज 29 जून को ये लोग दिल्ली आए हैं और घोषित रूप से अपने रथ यात्रा की समाप्ति कर रहे हैं। आज इन्होंने आगे सबसे पहले राजघाट पर जाके महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण किया और उसके बाद शहीदों की शहीद स्थली ITO में शहीद पार्क में जाके शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के मूर्तियों पर इन्होंने माल्यार्पण किया। इनका कहना है जो हम इन शहीदों के शहीदों को माल्यार्पण करके इनसे प्रेरणा लेके अपने आगे के आंदोलन को और तेज करेंगे, भविष्य में भी और बड़े आंदोलन करने की संभावना है। तो इस यात्रा में यात्री और जो इस यात्रा के अगुआ नेता थे और इसके अलावा दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी जो इसमें अपने नेताओं को स्वागत करने पहुंचे थे, उनसे बात करके हमने समझने की कोशिश किया जो एक तो इनका यात्रा का अनुभव कैसा रहा, दूसरा इनकी मांग क्यों ज़रूरी है और सरकार इनकी मांग अगर नहीं मानती है तो आगे का रास्ता इनका क्या होगा। सुनिए इन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। NMOPS के बैनर तले 1 जून से गांधी जी जहाँ पर उनकी कर्मभूमि थी चंपारण बिहार से यात्रा शुरू हुई। यात्रा है हमारी NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। NPS का विरोध देश का 85 लाख शिक्षक कर्मचारी कर रहा है और हम चाहते हैं कि NPS से मुक्त हो देश, NPS बंद हो और निजीकरण समाप्त हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। इसी मकसद को लेकर के लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा हम सब ने किया और शायद शिक्षक कर्मचारी के इतिहास में ये अब तक की सबसे विशालतम और ऐतिहासिक यात्रा है। पुरानी पेंशन नौकरी करने के बाद भारत सरकार के ऊपर कर्मचारी की ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी थी। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था तो उसे पेंशन गारंटी के तौर पर दी जाती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कोई गारंटी नहीं है। ये मार्केट बेस्ड एक योजना है और आज हो क्या रहा है कि लोग 15 साल 16 साल 17 साल की नौकरी में लोग रिटायर हो रहे हैं, किसी को 200 रुपये, 400, 500, 600, 1000, 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। आप सोचिए कि इस, जबकि पुरानी पेंशन में सैलरी का आधा और महंगाई भत्ते का आधा पेंशन की गारंटी थी। महंगाई भत्ता जब जब बढ़ता था पेंशन बढ़ती थी। ऐसी कोई NPS में व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से आज लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हम देश को फिर से 47 के मिले जा रहे हैं। वो कहना क्या चाहते हैं कि आज़ादी से पहले राजा और प्रजा थे, ये मध्यम वर्ग जो आज़ादी के बाद पब्लिक सेक्टर बना, जो गरीब किसान मजदूर परिवार से बच्चे आने वाले, जो जूझ जूझ कर आदमी किताबें पढ़े, पढ़कर उन्होंने कुछ परीक्षाएं पास की, उसके बाद सरकारी नौकरियों में गए। सरकारी नौकरी में जब गए तो उनको बेस सिक्योरिटी मिली, जॉब सिक्योरिटी मिली, सोशल सिक्योरिटी मिली। उसे जो मध्यम वर्ग बना सरकार उसको खत्म करना चाहती है। जिन कर्मचारियों के पसीने खून पसीने के बलबूते पर हमारी सरकार ये कहते हैं गुड गवर्नेंस देंगे, उन गुड गवर्नेंस देने वाले पसीना बहाने वाले लोगों को क्या दे रही है सरकार? समय से वेतन मिल जाए बहुत बड़ी बात हो गई है आज। और रही बात पुरानी पेंशन की, सरकार आखिर ये पैसा लेकर के कहाँ जाएगी? ये पेंशन ना दे करके ये पैसा बचा करके कहाँ ले जा रही है? क्या बैंकों को दे रही है पैसा? बैंकों से भी लिया जा रहा है, बैंक अपने कर्मचारियों से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? वो एक पूंजीपति के पास केवल। कर्मचारी 30 वर्ष या 62 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है और उसके बाद जब वो रिटायर होता है और अगले माह अगर उसको पेंशन ना मिले तो आप सोचिए कि अभी आपको सैलरी मिल रही है और अगले माह आपकी सैलरी बंद हो जाए तो आपके जो दैनिक खर्चे हैं वो भी चलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। केंद्र सरकार असंवैधानिक काम कर रही पैसा रोक करके, और कितने दिन रोकेगी? देश की सरकार को 135 करोड़ लोगों ने अपना वोट दे करके चुना है, उन 135 करोड़ लोगों के लिए सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को पेंशन उनका मूल अधिकार है। आखिर कौन सी वो सरकार है जो अपने सरकारी कर्मचारियों के बीवी बच्चों का पेट काट करके सफल हो पाई है? तो प्रधानमंत्री जी तमाम असली मुद्दों बोलते नहीं है, बोलते रहते हैं लेकिन अनावश्यक मुद्दों बोलते रहते हैं। हमारे विषय उन्होंने बोला, निगेटिव बोला, इसमें कोई जोरा नहीं, लेकिन कम से कम दबाव पड़ा, पेंशन का टेंशन हुआ इसलिए उन्होंने बोला। लेकिन बोलने के मतलब नहीं कि उन्होंने निगेटिव बोला तो नहीं होगा।
जब इस देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे वो भी कहते थे जब भगत सिंह और चंद्रशेखर नेता सुभाष चंद्र आज़ादी मांगते तो कहते नहीं मिलेगी, लेकिन मिली, लोग लड़ते रहे, एनपीएस से भी मुक्ति मिलेगी। 1974 के रेलवे आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन है जिसमें कर्मचारियों के साथ आम आवाम भागीदारी कर रही है, और ये एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा जो चली है चंपारण से और नासिक में पहला अपना सत्र पूरा किया है, कर्मचारी आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी हिमाचल और कर्नाटक और फार ओपीएस ने अपना प्रभाव दिखाया है, और अभी सरकार अगर नहीं मानी तो अभी मैं एमपी से ही आ रहा हूँ, एमपी के 8.5 लाख कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस के लिए तैयार है, कह रहा अगर हमारी पेंशन नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देंगे, और हम अगर हमारे बुढ़ापे की लाठी कोई चोट करेगा तो हम वोट की चोट मारेंगे, और हमारा ये सूत्रवाक है वोट फॉर ओपीएस। देश का 85 लाख कर्मचारी ही न केवल देश को रन करता है, सरकार को रन करता है, बल्कि देश के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको सही से अमल में लाने के लिए सबसे मेन जवाबदेही और कार्यशैली उसी की होती है। और ऐसे अवस्था में जबकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनकी अगर पेंशन नहीं रहेगी, आप सोचिए कि भारत का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ जाएगा। हम खुद शर्मिंदा हैं, हमने ऐसी सरकार को चुना है, सरकार को शर्म नहीं आ रही है।